आज हमारे पास ये बाइक आई है, पल्टीना है ना, पल्टीना बाइक है, तो इसका ब्रेक जाम है और ये यहाँ से ये कटा हुआ है। कभी भी आपको अगर पहिया निकालना हो तो भैया निकालना हो तो ग्राहक से आप फेस टू फेस बात कर लेना कि भैया ये कई दफ़े हम पहिया निकालने से ब्रेक कई दफ़े सेट नहीं होती है, तो आप ब्रेक ख़राब होता है तो आपकी जिम्मेवारी होती है। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको मैकेनिक पे ठीक कराना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी नहीं होती, हमारा काम होता है सेट करना और पंचर को बनाना। आज इस पहिए को खोलेंगे तो इसकी किनारी ये लीक है, 2+ टायर है और उसमें एक आध पंचर भी लीक है, तो इसमें हम लिक्विड डालेंगे, मेरे पास डुप्लीकेट लिक्विड है वो डालेंगे इसमें। ब्रेक मत दबाना ठीक है, लीक को हम ऐसे निकाल लेंगे। ये किनारी भी लीक हो रही है, किनारी को तो बैठाने का तो एक ऑप्शन था, ये देखो दोनों तरफ से किनारी लीक है, लेकिन इसमें एक आध जगह पंचर भी है, ये देखो यहाँ पे पंचर भी है, तो किनारी बैठाने का तो 100 रुपये लग जाएगा प्लस पंचर होगा उसका 50 रुपये लग जाएगा। तो मैंने कहा भाई को कि इसमें लिक्विड डलवा लो, ये किनारी की कोई गारंटी नहीं होती, आज सही है कल फिर ख़राब हो जाए। वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या वीडियो बना रहे हो? हफ्ते दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे काम में तो आपको हम लेबर तो 50 रुपये नहीं देंगे, प्लस आपको 100 रुपये निकलीज के वापस कर देंगे। ये हमने पंचर की जगह पे निशान भी लगा दिया है, अगर ये पंचर लीक होगा तो हम इसको बना देंगे, बाकी लिक्विड डाल देंगे। ज़्यादा हो गया है, एक तरफ से लूज करेंगे हल्का सा ऐसे, अब इसमें भर देंगे डायरेक्ट हवा, वाल 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 वहाँ से भर देंगे। बेटा हवा निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टायर आपका दोबारा बैठ जाता है। हुआ था यहाँ देखो, चौक का निशान लगाया था, ये पंचर बंद हो गया लीक होना, बाकी किनारी से लीक हो रहा था, किनारी भी ओके हो गई, बाकी ये रनिंग में हो जाएगा तो ये लिक्विड पूरा प्रॉपर अपनी जगह पे चला जाएगा और ये लॉक कर देगा ठीक। बुलबुले उठ के बाहर निकल रहे थे, सब बंद हो गए। कैसी लगी जानकारी है? अब इसको हम फिट कर देते हैं। इस पैड को ज़्यादा छेड़ा छेड़ी नहीं करना चाहिए, आराम से जैसे लग निकालते हो आप वैसे ही वापस इसको सेट करना है।
ये हमने पहिया अंदर डाल दिया है। अब ये बोल्ट लगा देंगे, इसका नट कस देंगे। ये पहिया पहले के जैसे ही फ्री चल रहा है। अब इसको हम हल्का सा ठोक देंगे, कई दफ़े इसमें मट्टी आ जाती है। लकड़ी लगा के इसको चेक कर लेंगे। ये अपनी जगह पे आ गया है, फ्री चल रहा है। कैसी लगी ये जानकारी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।